जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते समय जिनेन्द्र भगवान को ऊपर से नीचे की तरफ दर्शन करना चाहिए या नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना चाहिए? सबसे पहले तो मुख मुद्रा का दर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन है। हमारे यहाँ जितना वर्णन आया है ज़्यादातर मुख मुद्रा का आया है। भक्तांबर में शरीर का वर्णन भी है, लेकिन जब महिमा गाई गई है तो दो बार महिमा गाई गई, वक्त्रम कोते सुर नरो रग, और एक और का मुखाब जो मनल्प कांति विद्योत यज जगत पूर्व अंगबिंब। तो शशांक बिंब में भी मुख की वर्मा गाई गई और यहाँ भी मुख दो बार मुख की वर्ण महिमा श्री भक्तांबर जी में आया है। शरीर की महिमा भी गाई गई है, कुंदा बदात चले वो आपका शरीर कनक के समान है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्रा जते तब वपु कनका वदाथाम। यहाँ पर भी अशोक वृक्ष में भी आपके शरीर की कांति का वर्णन है कि अशोक के वृक्ष जो है उसके नीचे आप कनक वर्णी बैठे थे। लेकिन जो महिमा मुख की महिमा गाई गई है वो मुख की महिमा दर्शनीय है और वही देखने लायक होता है। शरीर का सारे अंगों को देखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दर्शन तो मुख मुद्रा का कहा गया। आपके हिंदी में भी क्या कहा गया, औभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी छवि बीत रागी डंगन मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे। तो दृष्टि जो दी गई है उसके विशेष महिमा है ऐसा मानना चाहिए।